चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर जान लीजिए। झारखंड के स्कूलों में छुट्टी का मामला गरमाता जा रहा है। जामताड़ा के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी गई थी। अब इस पूरे मामले में एक्शन लेने की भी तैयारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है और सरकारी स्कूलों में भी अब शुक्रवार को ही अवकाश दिया जा रहा है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस पूरे मामले में तलब किया। डीसी ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में दरअसल इस तरीके से जो छुट्टी दी जा रही है इस पर अब पूरा मामला गरमाया है। रविवार की जगह शुक्रवार को आखिर छुट्टी क्यों? स्कूल जो होता है सभी धर्म संपन्न होता है, उसको धर्म से नहीं जोड़ता है लोग, वहां तो विद्या का अवसर होता है। जहां विद्या मिले वही हमारा, विद्या तो सभी धर्म के लोग हासिल करता है। अब विद्या में भी मुस्लिम और हिंदू होने लगे तो ये तो गलत बात है। छुट्टी आज से नहीं, जहां पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो मान लीजिए, ठीक है, तो ये नियम तो पहले से चला आ रहा है। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मनमानी किस बात का है भाई? निष्कर्ष पूर्ण, अभी तो अखबार देख के मीटिंग बुलाए थे, एक सप्ताह का समय दिया गया है, ऑथेंटिक खबर भेजो क्या है नहीं है, उसके बाद जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। कौन दबाव दिया अभी नाम क्लियर करें ना, ये कैसे हो जाएगा? दबाव से कुछ नहीं होता, एक कानून से होता है, एक सप्ताह टाइम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और मामला कुछ दिनों पहले झारखंड के गढ़वा से सामने आया था, जहां मुस्लिम बहुल स्कूलों में हाथ बांधकर प्रार्थना की जा रही थी, क्योंकि यहां ज्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके से आते हैं। ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से अब ये पूरा मामला गरमाया है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां पे रविवार की जगह आखिर शुक्रवार को छुट्टी क्यों, और दूसरी तस्वीर जहां पर हाथ बांधकर प्रार्थना यहां पे की जा रही थी। यहां ज्यादातर लोग मुस्लिम बहुल इलाके से आते हैं और जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो स्कूलों को मदरसा बनाने की क्या तैयारी चल रही है, बड़ा सवाल यही है। और अगर इस कट्टरपंथी सोच के पीछे कौन